अब गाइज इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि पावर्स में हैं और इनमें कंपैरिजन होता है या फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको फिट करना है। चार आपको नंबर्स दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा उसके बाद बड़ा है, इस तरह से आपको एक क्रम में इसको लगाना है। ठीक है, तो देखिए 2.89 है, पावर में है 0.5। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि ये रूट है। 2.89 किसका रूट हो, इसका रूट क्या होगा, 1.7। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, दो बार पॉइंट के बाद 2 100 से इसको डिवाइड कर दिया गया एक तरह से, तो रूट जब लेंगे तो वो सिर्फ 10 से डिवाइड रह जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि 1.7 का स्क्वायर 2.89 आएगा। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, तो जब मैं 2 में से 0.25 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1.75। ठीक है, इसके बाद रूट 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1.732 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आपको पता नहीं होगी तो भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके बाद ये क्यूब रूट ऑफ 0.008, तो क्यूब रूट ऑफ 0.008 कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.2। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा ये, देन आपका होगा 1.7। 1.7 यानी कि 2.89 की पावर 0.5, देन आपका आएगा √3 एंड देन ये। ठीक है, तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, देखिए वो कुछ इसी फॉर्म में ही लिखा हुआ है, यही आपका कुछ असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या करेगा इसकी आपको बताना है, इसमें ग्रेटेस्ट वन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसमें कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप क्या करते हैं इसमें गलतियां इस तरह से कुछ होती है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं, देन सेकंड और थर्ड में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका एलसीएम आएगा 6, तो इसको 6 बनाते हैं, तो 1/2 और 2 से, सॉरी यहाँ पे 3 और 3 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 2 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 2 की पावर 3 टाइम्स पावर 1/6, और यहाँ बन जाता है 3 की पावर 2 की पावर 1/6। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है गाइज, यहाँ पे 6 की पावर 1/6 है, यहाँ पे 6 की पावर 1/6 है और 5 की पावर 1/5 है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 5 की पावर हमें करनी पड़ती है 6। ठीक है, और उसकी पावर 1/30 होती है, और यहाँ पे कंपेयर करना होता है 6 की पावर 5 और इसकी पावर 1/30। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंपेयर करने का मतलब क्या है कि 5 की पावर पहले 6 निकाली है और 6 की पावर 5 निकाली है, तो क्वेश्चन में कुछ भी आपने आसान तो किया नहीं। तो इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तब तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें करना कैसे है, आप पहले इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ठीक है, देखिए 2 की पावर क्यूब है यानी कि 8, और यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो इन दोनों में तो ये बड़ा है, पूछा गया ग्रेटेस्ट वन कौन सा है, तो ये आपका ग्रेटर वन हो जाएगा इन दोनों में। अब 3 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/6, आप पहले इनको कंपेयर कीजिए। क्यों मैंने इनको कंपेयर किया, क्योंकि देखिए यहां पर इन दोनों का एलसीएम जो है वो इजिली मिल जाएगा, यहां पर 1/3 है, यहां पे 1/6 है, तो मैं एलसीएम कितना ले लूंगा, 1/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर की पावर 1/6, और ये क्या लिखा हुआ, 6 की पावर 1/6। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इनमें ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने निकाल लिया कि 3 की पावर 1/3 इससे बड़ा है, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं 3 की पावर 1/3 को 5 की पावर 1/5 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, और आपको पता है 5 की पावर 3 होता है 125, जबकि 3 की पावर 4 होता है 81, तो अगर उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 243। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा है, तो अगर इसमें से पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट वन कौन सा है, वो आपका आ जाएगा √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर गाइज इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको √2 या √3 की वैल्यूज आपको गिवेन होंगी और तब आपसे कुछ एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। तो एक इसका रूल हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर आपको √2 या √3 की वैल्यू गिवेन है तो अपॉन में कभी भी √3 या √2 आपको मिलता है तो आप उसको वहां पर नहीं रखेंगे, आप हमेशा उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर √2 लिखा है तो आप ऊपर में √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2, और ये √2 रह जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा रूट का जो भी वर्ड होगा उसको ऊपर के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, उसको नॉमिनेटर में रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, सॉरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसको देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, मैं √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2। ठीक है, 2 टाइम्स √32 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ √2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 16, 16 दूनी 32 होता है, तो 16 का बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8√2। ठीक है, माइनस में 3 टाइम्स 128 है, इसको भी मैं √2 अगर मैं इसका बाहर रख लूँ तो ये कितना हो जाएगा, √64, तो बाहर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर
इसको भी अगर मैं रूट टू से अंदर रखूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25, तो 25 से बाहर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 5 चौको 20 प्लस में है, यहाँ पे 8 थे 24, माइनस में 24 है, और यहाँ पर प्लस में 8 है, और यहाँ पर प्लस में 2 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 24 है, यहाँ पे प्लस में 20 है, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस में 4। माइनस में 4 से प्लस में 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में 4, 4 और 2 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 टाइम्स आपकी वैल्यू है रूट टू, और रूट टू की वैल्यू गिवन है कितनी है, 1.414। ठीक है, तो देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, जब 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 को तो ये कितना मिलेगा मुझे, 2.4। 6 चौको 24, तो 2.4। अब 0.01 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 0.6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी 0.06। ठीक है, और इस तरह से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 को, यहाँ पर 0.04 को, सॉरी 0.004 को, तो ये कितना मिलेगा मुझे, 6 चौके 24, तो 0.024। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8.4, यहाँ पर तो 4 ही रहेगा, तो 8.48 यहाँ पर आ जाएगा, 484। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8.484। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए वो सेमी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताया कि जब भी रूट की वैल्यू आपको दिखती है कि रूट में कोई भी एक नंबर है और उसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, कभी भी अपॉन में वैल्यू जो है, जो कि डिनोमिनेटर में वैल्यू है, उसमें रूट नहीं रहना चाहिए, तो उसको आप क्या करेंगे, रूट थ्री जो नीचे है उसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो रूट थ्री यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए ये आपका हो गया रूट 15 अपॉन में आ गया 3। ठीक है, तो रूट 15 की वैल्यू गिवन है कितनी है, 3.88। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ 3 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 1.2 टाइम्स जब यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वो 28। तो 9 बार जाता तो सीधे से चला जाता, अगर यहाँ पर 27 होता तो, लेकिन यहाँ पर तो 28 है, तो 2.9 में जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि 27 होगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 10। ठीक है, तो 10 होगा तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 293, और ये अगर अगेन अगेन रिपीट हुई होगा, क्यों रिपीट होगा गाइज, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ गया आपका 1, तो आपने अगर यहाँ पर एक रिमाइंडर 0 लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर से 1, फिर से आपको 0 लेना पड़ेगा, फिर से आप 3 टाइम्स ही जाएंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, तो ये जो 3 है ये बार 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 रिपीट होता रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.293 पे आ जाएगा आपका बार। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपका थोड़ा सा अच्छे से आपको डिवाइड करके चेक करना है कि वैल्यू कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो 1.293 पे बार ये वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3 इज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा जिसमें इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए रूट थ्री जो होता है वो आपको मैंने बताया कि रूट थ्री जो होता है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो कहीं पे भी रुकती नहीं है, ना ही सेम वैल्यू इसमें आती है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो ये क्या बोला, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका रेशनलाइज हम लोग इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ठीक है, तो अगर सिर्फ रूट थ्री से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी अगर मैं इसमें रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रूट थ्री है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर भी उसका क्या हो जाएगा, रूट थ्री ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, इसमें आपको गिवन है कि √2 + √2 + √2 एंड सो ऑन, इसमें आपको वाई इसको मान लीजिए, ये वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है कि √2 + √2 एंड सो ऑन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वाई में √2 + √2 इसी तरह से कुछ है, तो यहाँ से अगर मैं इसको वाई मान लूँ, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये भी तो √2 ही है, तो ये कितना आ जाएगा, वाई में √2 + y। ठीक है, इसको मैं वाई लिख सकता हूँ, ये सेम एक्सप्रेशन ही तो है, और क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है तो यहाँ पर मैं इसको वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 = 0। ठीक है, तो वाई की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगी -b यानी कि +1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि 1 माइनस 4ac, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा +4 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 8 / 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + - रूट में 9 है तो वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या आ सकते हैं, या तो आ सकता है 3 + 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2, या फिर आ सकता है 1 - 3 यानी कि -3
टू बाई टू यानी कि माइनस वन, ठीक है। तो ये इसके दो आंसर्स आ सकते हैं, आइदर टू और माइनस वन, ठीक है। वैसे भी इसको आप लोग जानते भी हैं, इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि ये जिन दो नंबर से मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो ये किसके किसके मल्टीप्लीकेशन से बना है, टू इंटू वन से, ठीक है। तो जब प्लस का सिंबल है तब प्लस का टू या फिर माइनस का वन आंसर होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल हो तो ये क्या होता है, तब इसका आंसर होता है प्लस का वन या फिर माइनस का टू, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको जैसे यहाँ पे प्लस टू है, यहाँ पे प्लस टू ना होके माइनस वन भी आंसर दिया होता है। तो दोनों ही आप याद रखिए, जब निगेटिव साइन होगा तब वन एंड माइनस टू, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं, ये शॉर्टर वे है, ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए है कि कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, व्हेन 4 + √7 इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू। अब देखिए, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, 4 + √7, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है वर्ड, उसके आगे आपको एक टू होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे एक टू होगा तभी मैं उसके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई कर लेंगे और टू का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 + यहाँ पे मैं टू का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा √2 √7, और डिवाइड करूंगा तो ये टू हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 LCM, यहाँ पे हो जाएगा 8 + √7, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, देखिए इन दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, टू से डिवाइड करूंगा तो सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर जो नंबर होता है वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है। 2AB आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन से लिखा होना चाहिए, तो ये देखिए किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है, 7 और 1 का, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका सम जो है वो यहाँ पर लिखा हो, तो 7 और 1 8 भी होता है, ठीक है। तो ये किसका परफेक्ट रूट लिखा हुआ है, √7 + √1 का, √1 तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं इसका अंडर रूट लिखूंगा तो ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, ये सेम चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर आपका आ जाएगा √7 + 1 का स्क्वायर, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, √2, अगर मैं इसको लिखूं तो ही इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √7 + 1 अपॉन में √2, और इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी 4 + √7, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन में √2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 है ये नहीं हो सकता, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ये है, दैट इज √7 + 1 / √2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, कि आपको इस तरह से कुछ वैल्यूज गिवन है, अपॉन में √7 + √5 √12 - √5 √12 - √7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको √7 और √5 है, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, जैसे कि आपको √a + √b गिवन है, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स में जो अंतर होता है उस अंतर से a - b, या फिर इसको कहूँ a·b, इससे आप इसको डिवाइड करके यहाँ पर लिख सकते हैं √a - √b, ठीक है। ये डायरेक्टली आप इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे से आप कहें कि √3 - √2 लिखा है, तो मैं इसको डायरेक्टली √3 + √2 लिख सकता हूं और डिवाइड करूंगा 1 से, और 1 से क्योंकि डिवाइड करने पे कोई चेंज होता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली -2 को +√3 - √2 को √3 + √2 में डायरेक्टली लिख सकता हूं, ठीक है। देखिए आपका प्लस सिंबल है तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, अगर आपका माइनस सिंबल है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो √3 - √2 है तो √3 + √2 आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पर अंतर 1 का था तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पर लिख सकता था, बट यहां पर देखिए अंतर कितने का है, 2 का है, ठीक है। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 / √7 + √5, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √7 - √5, लेकिन क्योंकि यहां पर देखिए अंतर कितने का है, 2 का, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में पहले से ही 2 से मल्टीप्लाई है, तो जो मैं डिवाइड करूंगा वो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, √7 - √5, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है √12 - √5, ये आपका लिखा हुआ है 7 अपॉन में √12 - √5, ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसको √12 + √5 लिखूंगा, ठीक है। और इनमें अंतर कितने का है, 7 का, और यहाँ पे 7 से पहले ही मल्टीप्लाई है, तो इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7 से वो 7 कट जाएगा और आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट में देखिए √12 - √7 लिखा हुआ है, तो 12 और 7 में डिफरेंस कितने का,
का होता है 5 का, और यहाँ पे 5 पहले ही ऊपर से मल्टीप्लाई है, तो 5 से 5 आपका कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका √12 प्लस में √7। ठीक है, तो √12 √7 प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल माइनस साइन। तो 12 से ये 12 कट जाएगा, ये 5 से देखिए ये 5 कटेगा, और ये 7 से 7। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली आपका कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिमिलर वे में यहाँ पर आपसे नंबर्स लिखे हुए हैं, इस सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है जिसमें यहाँ पर आपके तीन आपके सर्ट्स वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, √2 + √3 माइनस में √5, और यहाँ पर क्या लिखी हुई है 1 + √2 माइनस में √3 माइनस में √5। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ये a+b और a-b का फॉर्म कुछ दिख रहा होगा। देखिए इस पूरे को आप एक साथ अगर लिखें तो ये लिखा हुआ है a+b, और इसमें जब आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है a-b। ठीक है, तो a+b और a-b का फॉर्म है, तो आप इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस में √5 इसका स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, दैट इज 3। ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, सीधे से प्लस साइन है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, चीजें तो जब ऐड होंगी जाके, तो देखिए √2 प्लस में है तो दो बार ऐड हो जाएगा √2, √3 एक में प्लस में एक में माइनस में है तो कट जाएगी, और माइनस में ऊपर क्या बन जाएगा 2√5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा √2 - √5। ठीक है, और नीचे में क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस बी का स्क्वायर 5 माइनस में 2ab, तो ये कितना आ जाएगा 2√10, और माइनस में आएगा आपका 3, और ऊपर में आपका क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स √2 - √5। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 5 और 2 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 4। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका 4 - 2√10, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं ऊपर से और नीचे से, तो ये कितना आ जाएगा 2 - √10। अब देखिए यहाँ पे आप √2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप √2 कॉमन लेंगे तो ये देखिए कितना बन जाएगा, इस पूरे में से आप √2 कॉमन लेंगे तो ये √2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 - √5। ठीक है, तो ये √2 - √5, यहाँ पे √2 - √5 कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस कि -2 की पावर -2 की पावर -2, ये आपका कुछ एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा भी गया है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए -2 की पावर -2 करेंगे तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अगर एक्स की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब भी पावर में माइनस साइन होता है तो जो नंबर है वो कैसा हो जाता है, 1/ में आ जाता है। ठीक है, तो 1/ में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो आप हमेशा सबसे ऊपर पावर से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो पावर से जब आप स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर आपको ब्रैकेट्स दिखें तो देखिए यहां पर जो ब्रैकेट है वो आपका ये ब्रैकेट है और ये उसके अंदर में दो छोटे ब्रैकेट्स हैं, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग ब्रैकेट है और इसके अंदर जो छोटे ब्रैकेट्स हैं तो इनको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 की पावर -2 है, तो -2 की पावर -2 को देखिए मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/-2 और इसकी पावर प्लस में 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4 माइनस साइन के साथ। ठीक है, सॉरी स्क्वायर जब होगा तो ये तो प्लस साइन हो जाएगा, तो -2 की पावर -2 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1/+4। ठीक है, अब इसकी भी पावर क्या है, इसकी पावर है -2। ठीक है, तो इसकी पावर -2 है तो माइनस है, तो ये जो है वो 1/ में आ जाएगा, तो इसका जब मैं 1/ करूंगा इनवर्स लूंगा तो ये तो 4 हो जाएगा, और 4 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 16। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टू डिजिट्स मेड फ्रॉम द यूनिट्स एंड टेंस डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशंस 2 की पावर 12 एंड -6 की पावर 4। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट और सेकंड यूनिट डिजिट या टेंथ डिजिट जो होता है उसमें से अगर मैं कोई एक डिजिट बनाना चाहूँ, उसमें से कोई एक नंबर बनाना चाहूँ तो वो नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, इसमें 2 की पावर 12 n है और 4 की पावर n है, 6 की पावर 4 n है। ठीक है, तो n की वैल्यू पहले तो आप अपनी तरफ से 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 - 6 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट तो आपको निकालना आता ही है, आप इसकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर 12 है, तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 2 की पावर ये 4 है, तो 4 पे यूनिट डिजिट कितनी होती है, 4 पे यूनिट डिजिट होती है 6, और 6 की हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही रहती है, तो 6 - 6 हो गया 0। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट जो नंबर आएगा वो तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, अब बात हो रही है कि जो सेकंड नंबर है वो क्या हो सकता है, तो देखिए सेकंड डिजिट या फिर टेंथ डिजिट जो वैल्यू होती है उसको निकालते हैं हम लोग कैसे हैं, हम लोग को ये पता है कि जब यूनिट डिजिट
निकालना होता है तो उसको हम लोग डिवाइड करके 10 से निकाल सकते हैं। अगर 10 से मैं डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 की पावर 12 को 100 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा, माइनस में 6 की पावर 4 को जब मैं 100 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा, तो उन दोनों रिमाइंडर्स का जो डिफरेंस होगा वो मेरी 10th डिजिट होगी, ठीक है। तो ये भी हम लोग को पता है, ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना है कि जैसे कोई भी नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा और उसका 10th डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सेकंड यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये भी हम लोग इस तरह से भी निकालते हैं। तो उसको लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं को 100 से डिवाइड करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 से ये दोनों कट सकते हैं, तो 4 से जब मैं काटूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 10, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर बचा 25, और हमने किससे डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया है 4 से, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 10 जनरली लोगों को पता होता है, दैट इज 2 1024, ठीक है, 1024 होता है। तो यहां पर आपको पता है 25 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1000 तो कट जाएगा, यहां पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 24, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको इस फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर इसका आ जाएगा 24, और इसको सिमिलरली सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 फोर टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो 2 बार ये 3 बन जाएगा और बाकी में ये कितना रहेगा, 6 × 6, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा 25 से, तो अब इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये कितना है, 6 × 3 = 18, और ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये कितना आ जाएगा, 18 × 18 करेंगे तो 324, ठीक है, 324 आ जाएगा, 324 आ गया। अब आप इसमें से 25 को जब वो करेंगे, सॉरी इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25, 300 तो चला जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 24, ठीक है। और इसमें भी आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर भी आपने 4 से दोनों जगह पे काटा हुआ है, ठीक है, तो 4 से आपको फिर से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 24 × 4 यहाँ पर भी आ जाएगा और 24 × 4 आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में आपको लेना है डिफरेंस, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24 × 4 − 24 × 4, तो ये कितना आ गया आपका, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ये भी जो नंबर है 2 की पावर 12 n −6 की पावर 4 n, इसके यूनिट डिजिट और 10th जो डिजिट है वो दोनों क्या है, 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको भी समझ लीजिए। इसमें आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट अमंग, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा है कि जो रूल निकाला था ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहीं पर ही बताया था मुझे कि आपको क्या करना होता है सर, कि आपस में इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इन नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 8 और 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 7 और 6 = 42 आ जाएगा, 10 और 30 है, तो यहाँ पर तो आपका ये 10 और 3 तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 और 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। तो इसमें जो बताया था, जो नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है √11 + √2 ही अब सबसे छोटा है, तो पूछा है स्मॉलेस्ट, तो ये कितना आ जाएगा, √11 + √2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पर भी आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक आज फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप का ही था। तो यहाँ पर 4 की पावर 4 है, वहाँ पे 5 की पावर 5 था, और उसमें भी जो ग्रेटेस्ट नंबर आया था वो आपका क्या आया था, √3, तो आई थिंक यही आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों में तो √3 आता ही आता है, आपको √3 को आप चेक करना होता है, या फिर 4 की पावर 4 यहाँ से इस तरह से, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब एंड 3 का 4, 3 की पावर 4 एंड 4 की पावर क्यूब, ठीक है। तो 3 की पावर 3 होता है 27, 4 81, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 × 16, 16 × 64, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये इससे ग्रेटर ही है, और ये इससे भी ग्रेटर होता है, हम लोगों ने चेक किया ही था। तो 3 की पावर, देखिए जब ये इस तरह से होता है, √3 और 6 की पावर 6, जब पावर्स में कोई चीज कॉमन नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो उनकी पावर्स है उनको जस्ट एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन। यहाँ पर जैसे कॉमन है, यहाँ पर क्या है, 1/3 है, यहाँ पर 1/6 है, इनका एलसीएम सिर्फ 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या, सिर्फ स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 की पावर 1 ही रहेगा, ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा, तो यहाँ पे मैं जस्ट इन्वर्स नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिखूँ और यहाँ पे 6 पावर 3 लिखूँ, तो ये इसमें आपने अपनी कैलकुलेशन बढ़ा लेनी है, तो ये तो गलत तरीका है। जब आपके पावर में कोई भी चीज़ें कॉमन ले सकते हो तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जहाँ पर आपका कॉमन कुछ नहीं है, एलसीएम 3 और इसमें अगर मुझे कंपेयर
करना हो तो ये डायरेक्टली कैसे कंपेयर करूंगा, 3 की पावर 4 एंड 4 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइज ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया विच इज ग्रेटेस्ट अमंग। अब यहाँ पर देखिए साइन कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। जब साइन निगेटिव होता है तब जो रूल होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो नंबर्स में अगर ग्रेटेस्ट पूछा गया है तो जो सबसे छोटा जिनमें मल्टीप्लीकेशन आपका आ रहा होगा वो नंबर ही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 5 3 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, यहाँ पर 7 बना 35 आ रहा है, यहाँ पर उससे बड़ा ही आएगा ऑब्वियस है, और ये उससे भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इनमें कौन सा होगा, जो सबसे छोटा होगा, दैट इज √5 - √3, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस दिस एंड 1.5 इज। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए इनमें दोनों में क्या आ जाएगा, 2 की पावर है 1/3 और 3 का है स्क्वायर, ठीक है, 3 की पावर 1/2। तो इसको दोनों में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है इसके कंपेयर में, ठीक है। अब 3 की पावर 1/2 एंड 5 की पावर 1/3, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब एंड अगेन 5 का स्क्वायर। तो अगेन ये ही बड़ा नंबर है √3, ठीक है। तो √3 और 1.5, तो √3 की आपको वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज 1.732 ऐसे होती है, और ये 1.5 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको d की पावर s + t को पहले डिवाइड करना है d की पावर s से, ठीक है। तो d की पावर s से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ d की पावर t, ठीक है। और d की पावर जब t बचा उसको d की पावर t से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1। इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कंफ्यूज इस तरह से करते हैं कि पावर जो ये साइन है उससे अगर आपको फैमिलियर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है, y की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है, और आपसे x + y की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी सिखाया हुआ है, ये आपको अलजेब्रा में मैंने इसका एक तरीका बताया था कि अगर आपको x = √a + √b / √a - √b कुछ इस तरह से गिवन है, और वाई की वैल्यू सेम चीज जस्ट इनवर्स में गिवन है, √a - √b / √a + √b, ठीक है। तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए x + y, तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, अगर इन दोनों में 2 का डिफरेंस है तो x + y सीधे से क्या हो जाएगा, a + b, ठीक है, और x - y क्या हो जाएगा, √ab, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, x + y, तो x + y कितना हो जाएगा, a + b, आप कर दीजिए सीधे से, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है अगर, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप आसानी से इसको x + y की वैल्यू a + b निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू √3। अब देखिए √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 3 डिजिट तक पता हो तो भी आपका काम हो जाएगा, ये होती है 1.732, ठीक है, 1.732 होती है। 9/5 अगर मैं करूंगा तो देखिए कितनी आएगी, 9/5 करूंगा तो 1 पॉइंट में जाएगा, यहाँ पे होगा 4, तो 4 के लिए हो जाएगा 40, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 5 40 होता है, ठीक है। तो 1.8 यहाँ पर चला गया, यहाँ पे 1.732, तो 1.75 आई थिंक 7.32 से ज्यादा नहीं आ रहे, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, 1.75 है एक तरफ आपका, ठीक है, और एक तरफ है 1.73, ठीक है। ये 173 से जब 100 डिवाइड करेंगे तो 1.73 आएगा, यहाँ पे 1.75 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.02002 सिर्फ डिफरेंस है, इसमें दूरी कितनी है, 1 पॉइंट में 002 सिर्फ, ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.02 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 5 और यहाँ पर 3 में अंतर है, जबकि यहाँ पे 3 तक है, उसके आगे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगर 2 होता तो सेम वैल्यू हो जाती, ठीक है, और यहाँ पर 1.69 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो नियरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है, 173/100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, 12/3 + √5 + 2√2 है, और इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसके, तो इसको आपको बेसिकली रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +2√2 है, तो इससे क्या कीजिए आप, -2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यही इसका एक कॉन्जुगेट हो जाएगा, इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, देखिए ये इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, प्लस में आ जाएगा
टू इंटू थ्री सिक्स रूट फाइव, माइनस में ये कितना आ जाएगा, टू रूट टू का स्क्वायर एट, ठीक है। तो नाइन में से एट जाएगा, ये हो जाएगा नाइन माइनस एट वन, वन प्लस फाइव हो जाएगा सिक्स, ठीक है। तो कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये क्या हो सकता है, इसको मैं सिक्स ले लूंगा तो ये हो जाएगा रूट फाइव प्लस वन, ठीक है। और ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, थ्री टाइम थ्री प्लस रूट फाइव माइनस टू रूट टू से आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा थ्री प्लस रूट फाइव माइनस में टू रूट टू, ठीक है। सिक्स से मैं काट सकता हूँ तो ये आ जाएगा टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा थ्री प्लस रूट फाइव माइनस टू रूट टू। अब यहाँ पर एक बार आप क्या करेंगे, रूट फाइव माइनस वन से और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट फाइव माइनस वन हो जाएगा, तो ये रूट फाइव माइनस वन, रूट फाइव प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा फाइव माइनस वन दैट इज फोर, तो ये क्या हो जाएगा टू से टू कटेगा तो अपॉन में टू आ जाएगा। अब इसको आप में ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रूट फाइव से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना आएगा, थ्री रूट फाइव प्लस में फाइव माइनस में टू रूट टेन, ठीक है, टू रूट टेन आ जाएगा। और माइनस वन से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस में थ्री माइनस में रूट फाइव और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में टू रूट टेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, तो फाइव माइनस थ्री करूंगा तो ये आ जाएगा आपका टू, ठीक है। और रूट टू तो कहीं और है नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस में टू रूट टू, और ये हो जाएगा थ्री रूट फाइव है, यहाँ पे माइनस रूट फाइव है तो ये हो जाएगा टू रूट फाइव, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में टू रूट टेन, ठीक है। और देखिए अपॉन में टू बचा हुआ था तो ये टू से टू कटेगा, ये टू कटेगा, ये टू यहाँ पर टू, और ये सारे टू कट जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, वन प्लस रूट फाइव प्लस रूट टू, वन प्लस रूट फाइव प्लस रूट टू, सिर्फ इसी ऑप्शन में माइनस रूट टेन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या करेगा, इस थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस रूट थ्री, ये मैंने आपको अभी करना सिखाया है। देखिए ये थ्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट थ्री बाई थ्री, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री प्लस रूट थ्री है, तो इसको अगर मैं देखूंगा तो अंडर रूट में इसमें कितना है, ये है नाइन और यहाँ पर है रूट थ्री, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर देखें, या फिर आप इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, थ्री प्लस रूट थ्री है, यहाँ पे रूट थ्री माइनस रूट थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर थ्री और बी का स्क्वायर माइनस में नाइन, ठीक है। और ऊपर में क्या है, सम होके आएगा तो थ्री से थ्री कट जाएगा, ये हो जाएगा टू रूट थ्री, ठीक है। तो थ्री माइनस नाइन करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में सिक्स, ठीक है। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ टू रूट थ्री अपॉन में सिक्स, ठीक है, या फिर ये आ जाएगा थ्री, और या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे प्लस में वन अपॉन रूट थ्री, इसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये सिर्फ आंसर इसका कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थ्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको इसका अंडर रूट निकालना है, तो इसको मैं अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 15 है, 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू थ्री, ठीक है। और यहाँ पर 5 प्लस थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री का, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट फाइव माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस का ही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, प्लस हो नहीं सकता, रूट में दोनों नंबर्स रहेंगे, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या करेगा गाइस, देखिए इसमें आपको यहाँ पर 8 माइनस 4 की पावर 9 बाई 4 है, और इसको आपसे लेना है 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 की पावर माइनस 2, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर में 1 बाई 2 है, कुछ इतना डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन इसको कुछ बनाया गया है, बट इस तरह के क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे इजी ही निकलते हैं इन द एंड। इसको आपको सॉल्व करना है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर यहाँ पर 9 बाई 4 है, तो इसको 2 की पावर में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 बाई 2, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 बाई 2, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट है, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, अपॉन में देखिए एक 2 पहले से ही है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर माइनस 2 है और अंडर रूट है, तो इसको मैं ऊपर में ले जाऊंगा तो 2 की पावर प्लस 2 हो जाएगी, अंडर रूट है और यहाँ पर पावर 2 होगी, तो वो दोनों भी कट जाएंगे, तो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे 9 बाई 2 है, यहाँ पे 1 बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, ठीक है। 9 बाई 2 एंड 1 बाई 2 तो 10, 10 और बाई 2 तो 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 ये हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे पावर 1, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 2 की पावर 6 और उस पर ओवरऑल हाफ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो आपने इस डब्बे को सॉल्व किया, ये आ जाएगी वैल्यू 8, यहां पे पहले से ही 8 माइनस में है, तो 8 माइनस 8 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, थ्री रूट टू अपॉन में रूट सिक्स प्लस रूट थ्री माइनस में टू रूट सिक्स अपॉन में रूट थ्री प्लस वन, इसमें आपको रेशनलाइज करना है। तो देखिए सिक्स और थ्री है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, थ्री का, तो अभी मैंने आपको बताया था थ्री से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ये यहाँ पे पहले से ही थ्री है, तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो ऊपर में रूट सिक्स माइनस रूट थ्री आ जाएगा, और डिवाइड करूंगा जब थ्री से तो ये क्या हो जाएगा, थ्री से थ्री कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 12 माइनस में रूट में
सिक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर मैं करूँगा तो देखिए ये रूट में वन हो या वन बाहर लिखा जाए, बात सेम है। तो ये रूट में जब देखूंगा डिफरेंस कितने का है, थ्री और वन यानी कि टू का, तो टू से डिवाइड होगा तो ये टू कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा माइनस में रूट सिक्स और मल्टीप्लाइड विथ रूट थ्री माइनस में वन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस में छत्रिक 18, रूट में 18, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस में रूट सिक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना है प्लस में है, देखिए ये टू लिखा हुआ है तो रूट में कितना है फोर, और सिक्स और फोर में कितने का डिफरेंस है दो का, तो दो से दो कट जाएगा, ऊपर में क्या आएगा सिर्फ रूट थ्री मल्टीप्लाइड विथ रूट सिक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा रूट में छत्रिक 18 माइनस में टू रूट थ्री, ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो अब देखिए सिक्स से ये सिक्स कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, और यहाँ पर टू रूट थ्री है जो कि वैल्यू असल में रूट ट्वेल्व भी वही वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये भी आपस में कट जाएगा, ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर से सेम टाइप का ही क्वेश्चन आ गया आपको। अब इसमें भी क्या है आपको बताना है, माइनस साइन है और ग्रेटेस्ट पूछा है, तो आप देखिए सबसे छोटा जो है मल्टीप्लिकेशन किसका आएगा, तो पाँच और तीन ये कितना आएगा 15, 9 7 63, 11 9 99, 7 5 35, तो सबसे छोटा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है रूट फाइव माइनस रूट थ्री का, तो ग्रेटेस्ट भी इनमें से कौन होगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री, क्योंकि साइन कैसा है निगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, लीस्ट वन अमंग देम बताना है। तो लीस्ट वन देखिए यहाँ पर टू का सभी में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, टू का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, आपको दो दो कंपेयर करने हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा टू रूट थ्री, और ये कितना है टू पावर में फाइव टाइम्स 1/4 है, ठीक है। तो टू दोनों में कॉमन है, तो आप कंपेयर सिर्फ थ्री की पावर 1/2 और फाइव की पावर 1/4 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप करेंगे 1/4, इसको बनाना है तो थ्री में स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू और 1/4, और यहाँ पे फाइव 1/4, तो देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर है यानी कि ये नाइन हो गया। तो लीस्ट पूछा है, तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है फाइव की पावर 1/4, यानी कि ये वाला नंबर इन दोनों में लीस्ट है, ठीक है। तो अब इसको किसी से चेक नहीं करना है, अब इन दोनों में या फिर इन दोनों में डायरेक्टली कंपेयर आप कर लीजिए। तो देखिए रूट एट को मैं क्या लिख सकता हूँ टू रूट टू, और ये कितना लिखा हुआ है थ्री रूट टू, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है आपका टू रूट टू लीस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिए टू की पावर टू मल्टीप्लाइड विथ फाइव की पावर 1/4 और टू इंटू रूट टू, इन दोनों में आपको कंपेयर करना है लीस्ट कौन सा है, तो देखिए टू दोनों में ही मल्टीप्लाइड है तो टू हटा लीजिए, ये हो जाएगा फाइव की पावर 1/4 और टू की पावर 1/2, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे कंपेयर करना है, तो ये है फाइव की पावर 1/4 और यहाँ पर क्या है टू की पावर, में ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू का स्क्वायर की पावर 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये 4 है और यहां पर 5 है, तो लीस्ट इन दोनों में से कौन सा है, तो ये 2 की पावर 1/2 जो है वो इन दोनों में लीस्ट है, यानी कि रूट 8 जो है वो इनमें से सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a की वैल्यू आपको गिवन है रूट 3/2 और आपको निकालनी है रूट में 1 प्लस a प्लस में रूट में 1 माइनस है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, असल में इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री और इसको डिवाइड किया गया बाई 2 से, ठीक है, प्लस में 2 माइनस रूट थ्री और इसको डिवाइड किया गया 2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट में एक आपको ऐसा नंबर है a प्लस रूट बी के फॉर्म में, तो उसमें अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, सेम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए ये जो नंबर है ये क्या है, यहाँ पर 3 जो रूट में लिखा हुआ है इसको मैं 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4, ठीक है। तो ये किसका परफेक्ट रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट रूट इसका आएगा रूट 3 माइनस 1 का, और अपॉन में 2। सिमिलरली सॉरी यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, रूट 3 और रूट 3 जब सम होगा बाई 2 बाई 2, तो ये कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको एक्स प्लस वाई वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि रूट फाइव प्लस वन है रूट फाइव माइनस वन है, और यहाँ पर क्या है रूट फाइव माइनस वन अपॉन में रूट फाइव प्लस वन, ठीक है। तो ये उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, इनवर्स वैल्यूज हैं, बस यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब अंतर दो का होता है तब तो डायरेक्टली जो सम होता है ए प्लस बी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स, ठीक है। बट यहाँ पर अगर डिफरेंस कितने का हो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है चार का है, ठीक है, फाइव और यहाँ पर वन है तो डिफरेंस कितने का है चार का। जब यहाँ पर मैंने बताया था डिफरेंस दो का कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि दो से मल्टीप्लाई टू करेंगे तब ये फोर आ जाता है, तो यहां पर जितने से मल्टीप्लाई करना है यहां पे उतने से ही आपको डिवाइड करना पड़ता है, दैट इज यहां पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव सिक्स बाई टू दैट इज थ्री, ठीक है। तो यहां पर ए प्लस बी की आपको वैल्यू पता चल गई, और ए बी हमेशा कितना होता है ए इंटू बी करेंगे तो कितना आ जाएगा वन, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं इनवर्स नंबर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर वन आ जाता है। तो अब आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई डिवाइडेड बाई दिस एक्सप्रेशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए बी
अगर करूंगा तो देखिए यही आ जाएगा, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab, ठीक है। तो देखिए माइनस 2ab से 2ab कट जाएगा और माइनस ab सिर्फ बचेगा, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब a प्लस बी की आपको वैल्यू पता है कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 दैट इज आपकी आ जाएगी 8, और यहाँ पर कितना लिखा है 3 स्क्वायर 9 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6, तो 8/6, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 4/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्टली 4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको गिवन है 3√2 + 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 - 2√3, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 3√2 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18, और ये आ जाएगा 4 3 12, ठीक है। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3√2 + 2√3 ही आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो स्क्वायर हो जाएगा 18 - 12 दैट इज 6, ठीक है। तो ऊपर में आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3√2 दैट इज 18 प्लस 2√3 दैट इज 12 प्लस 2 times ab, तो 3 × 6 × 12 अंडर रूट में आ जाएगा 6, ठीक है। और ये आपको 6 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 से अब कटेगा, 6 3 12, 6 2 12, और ये 6 2 12, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 5 + 2√6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 + 2√6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी फर्स्ट, यहाँ पर सभी में बीच में एक तो प्लस सिंबल होगा वो आप लगा लीजिएगा, और ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, √3 + 1 / √3 - 1, ठीक है। तो इसमें आपको इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1, तो ऊपर वही वैल्यू लिखी हुई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 times, और ऊपर में आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर दैट इज 3 + 1 + 2√3, ठीक है। तो 2 से तो कट जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 2√3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 + √3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेम चीज है, यहाँ पर √3 - 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ 2 - √3, सेम चीज रहेगी, 2 - √3 बस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर √2 + 1 है, अपॉन में √2 - 1 है, तो √2 + 1 है, अपॉन में √2 - 1 है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो डिवाइड 1 से करना पड़ेगा, तो ये √2 + 1 का सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर दैट इज 2 + 1 + 2√2, तो 3 + 2√2 यहाँ पर आपको आएगा, और यहाँ पर सेम चीज जस्ट निगेटिव साइन के साथ है, तो निगेटिव साइन का स्क्वायर आएगा दैट इज 3 - 2√2, ठीक है। तो आपसे चारों चीजों का सम पूछा गया है, इन चारों चीजों का सम कितना आएगा, तो देखिए 2√2 से यहाँ 2√2 कट जाएगा, यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, तो 3 and 3 दैट इज 6 एंड 2 and 2 दैट इज 4, तो 6 + 4 दैट इज 12, 10 आपका आंसर आ जाएगा, 6 + 4 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर आपको है 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 एंड 5 की पावर 24, ठीक है। तो इसमें आपको एक देखिए एलसीएम या एक पावर जो कॉमन है वो क्या है, देखिए 6 आपको साफ साफ दिख रहा है कॉमन है, और 12 भी देखिए कॉमन है, तो 12 की पावर आप बना लीजिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 की पावर 12, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 36 12 × 48, तो 3 की पावर 4 की पावर 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 4³ की पावर 12, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5² की पावर 12, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे पावर सभी में क्या है, 12 12 है, तो अंदर का जो नंबर है वो उसको मैं क्या है कंपेयर अब आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 5 होती है 32, 3 की पावर 4 आपकी होती है 81, 4 की पावर 3 होती है 64 एंड 5² 25, ठीक है। तो पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका कौन सा है, 3 की पावर 48, ठीक है गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।